हेलो गाइस दिस इज प्रीति शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ सो प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट्रोजन एंड फोसफोरस के हेलाइट्स पढ़े थे आज शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के साथ सो ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलैनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आपको पता होनी चाहिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन होती है एन एस टू एन पी फोर ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो सकता है सो so ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस टू भी देखने को मिलेगी एंड माइनस टू भी देखने को मिलेगी एग्जांपल देखें तो आपके पास एक एच टू ओ मॉलिक्यूल है एंड एक एफ़ टू ओ मॉलिक्यूल है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा एंड यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी एस ई प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर एंड प्लस सिक्स शो करता है टी ई भी आपके पास प्लस टू प्लस फोर एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा पोलोनियम भी आपके पास प्लस टू प्लस फोर एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ शुरू करेंगे अटोमिक रेडियस आ जाता है सबसे पहले सो ऑटोमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ करेगा अटोमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं सो ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा उसके बाद आयनाइजेशन इन्थेल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम सो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए चाहिए होती है देन एस एस ई टी ई पी ओ के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वर्ड इट सेल्फ सो ये जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी ऑक्सीजन की देन सल्फर एस ई एन टी ई आ गई इलेक्ट्रॉन गेन एन ठीक है अब ये यहाँ पर याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एन मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ठीक है सो so, uh, जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थेलपी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट की ठीक है ये भी uh, अगर ये ऑर्डर अब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कुछ ऐसा ही रहेगा लेटेस्ट एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एंड बॉन्ड ठीक है अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो so, ये डिपेंड करती है Z इफेक्टिव के ऊपर साइज़ के ऊपर जितना छोटा साइज होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोटा साइज है सो so, यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एलोड्रॉप्स का एलोट्रॉप्स में हम ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे एंड सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स में आपके पास दो टाइप के एलोट्रोप्स मिलेंगे एक डाई ऑक्सीजन एक ट्राई ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में इसमें एक आता है आपके पास सिंगलेट ऑक्सीजन सिंगलेट ऑक्सीजन एंड एक आता है ट्रिपलेट ऑक्सीजन सो सिंगलेट और ट्रिपलेट ऑक्सीजन डिपेंड करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हुई है होमो में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो पाई जी होता है ऑक्सीजन के केस में उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हुई है ठीक है सल्फर के एलोट्रॉप्स में आपको बड़े सारे एलोट्रॉप्स देखने को मिलेंगे एस मिलता है एस मिलता है एस ट्वेल्व मिल सकता है आपको एस ट्वेंटी मिल सकता है ठीक है पर जो स्टडीज़ है आपकी रेफरेंस बुक में वो एस एड के ऊपर ज़्यादा है नेक्स्ट अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देखेंगे सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ शुरू करेंगे मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन में आपके पास ऑक्सीजन लिया हुआ है और यहाँ पे फोटोलिस हो रही है फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई हैं आपको यहाँ पे दो टाइप के ऑक्सीजन मिलेंगे सेम पेंसिल लिखती हूँ इसको यहाँ पर आपको दो टाइप के ऑक्सीजन मिलेंगे एक मिलेगा सिंगलेट और एक मिलेगा डबलेट ठीक है यहां पे आपको सिंगलेट ऑक्सीजन भी मिलेगा एंड सॉरी डबलेट नहीं ट्रिपलेट ट्रिपलेट ऑक्सीजन भी मिलेगा ठीक है सिंगलेट ऑक्सीजन का डायटोमिक टर्म सिंबल होता है आपके पास वन जी आ गया आ जाएगा यहां पे एंड ट्रिपलेट ऑक्सीजन का होता है थ्री नेगेटिव आएगा एंड जी आएगा अब ये ऐसा क्यों हो रहा है होमो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी है सो so, यहाँ पे आपको सिंगलेट के केस में डिफरेंट तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही होगी सिंगलेट के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में जाएंगे और ट्रिपलेट के केस में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो L की वैल्यू देखें प्लस वन माइनस वन टू आएगी माइनस टू आएगी तो हम बेसिकली टू ही लेंगे जिसकी वजह से डायटामिक टर्म सिंबल कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास डेल्टा आ गया और टू एस प्लस वन की वैल्यू एस की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे वन आ जाएगा एंड ये जी है ठीक है पाई जी है ये भी होमो एंड पाई जिरेड है जिरेड इंटू जिरेड यहाँ पे जिरेड आ जाएगा लाइकवाइज अब यहाँ पे अगर वैल्यू देखें एल की तो आपके पास जीरो आएगी टू एस प्लस वन की वैल्यू थ्री आ जाएगी एंड यहाँ पे नेगेटिव आएगा थ्री की वजह से एंड यहाँ पे जेरेड आ जाएगा ठीक है जरेड इंटू जरेड जरेड आ जाएगा अब इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट एंड इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट कैसे देखते हैं टू एस प्लस वन की वैल्यू देखो अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो वो ग्राउंड स्टेट की तरह बिहेव करेगा ठीक है सो so, यहाँ पे आपको सिंगलेट एंड ट्रिपलेट दोनों टाइप के ऑक्सीजन मिलेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक्चुअल में ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन होंगी 543 फोर्टी नैनोमीटर नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन पास होगी यहाँ पे, और आपको ये आपके पास है देखो ट्रिपलेट ऑक्सीजन है ये जिसका डायटोमिक टर्म सिंबल आपके पास कुछ ऐसा होगा ट्रिपलेट ऑक्सीजन से आपको यहाँ पे मिल जाता है सिंगलेट ऑक्सीजन ठीक है ओ मिलेगा जो कि सिंगलेट होगा वन जीरेड आ गया प्लस ये वैसे ही रहेगा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो रही है ठीक है अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं प्योर थ्राइस की रिएक्शन हो रही है ओ थ्री के साथ ओजोन के साथ सो so यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ आर का थ्राइस पी डबल बॉन्ड ओ प्लस ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास सिंगलेट ऑक्सीजन है अब ये फॉर्मेशन कैसे हो रही है ये भी हम देख लेते हैं सो so, पी यहाँ पे आपके पास ओ आर है ओ आर है एंड ओ आर है लोन पेयर प्रेजेंट होगा ओजोन आ गया आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ये वाले यहाँ पे एंड ये वाले यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिलेगी फोर मेंबर रिंग, सो विटिग रिएक्शन की तरह ये मैकेनिज्म होगा ठीक है ये आ गया आपके पास फोर मेंबर रिंग, अब पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है सो so, यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा ठीक है सिंगलेट ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल गया नेक्स्ट एच टू ओ टू की रिएक्शन परोक्साइड की रिएक्शन जब सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ होगी तब भी यहाँ से भी आपको सिंगलेट ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ टू प्लस एच टू ओ एंड प्लस एन ए सी एल ठीक है अब ये जो ऑक्सीजन है ये सिंगलेट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन देखेंगे सो दिस इज़ वेरी रिएक्टिव ये रिएक्टिव होता है ट्रिपलेट ऑक्सीजन से डायमेग्नेटिक इन नेचर सो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे so यहाँ पर होमो पाईजीरेट है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर और ये डायनोफाइल की तरह एक्ट करता है डायज रिएक्शन में मीन्स फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है सो so अगर रिएक्शन कराना चाहें तो यहाँ पे फोर प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे डाइनोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ये डाइन आ गया आपके पास एंड ये डाइनोफाइल आ गया फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन होगी ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे ये वाले यहाँ पे ये वाले यहाँ पे आपको सिक्स मेम्बर रिंग मिल जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ऑक्सीजन आ गया एंड ये ठीक है ये प्रोडक्ट आपको मिल गया फोर प्लस टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है अब ये रिएक्शन ट्रिपलेट ऑक्सीजन शो नहीं करते हैं ठीक है सो so ये बात आपको याद रखनी है ट्रिपलेट ऑक्सीजन के साथ ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है आप चलते हैं ट्रिपलेट ऑक्सीजन की तरफ सो so, अगेन अगर हम इसका होमो ड्रॉ करते हैं पाई जीरेड सो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दोनों ऑर्बिटल में यहाँ पे प्लस वन एल की वैल्यू माइनस वन आएगी एल की, की वैल्यू जीरो होगी डायटोमिक टर्म सिंबल यहाँ पे टू एस प्लस वन थ्री आ जाएगा एंड ये जीरेड इंटू जीरेड जीरेड आ जाएगा थ्री की वजह से नेगेटिव एंड एल इज टू जीरो है तो सिग्मा आ गया पैरामैग्नेटिक आ गया दिस इज लेस रिएक्टिव ऑक्सीजन कलरलेस होता है जनरली पर कंडेंस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन आपको ब्लू कलर का मिलेगा डायटॉमिक टर्म सिंबल हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पे थ्री नेगेटिव एंड जरेड आ गया अब देखो अगर सिंगलेट ऑक्सीजन एंड ट्रिपलेट ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो so ये आ गया आपके पास ट्रिपलेट ऑक्सीजन सिंगलेट ऑक्सीजन डेल्टा वन जिरेड आ जाएगा सो so, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड स्टेट है क्योंकि यहाँ पे टू एस प्लस वन की वैल्यू ज़्यादा है और ये एक्साइटेड स्टेट होगी और हमें पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है सो ये लेस एनर्जी होगी एंड एक्साइटेड स्टेट में आपको मोर एनर्जी मिलेगी मोर एनर्जी ग्राउंड स्टेट स्टेबल होती है ठीक है सो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ट्रिपलेट जो ऑक्सीजन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एंड एनर्जी लेस होगी अब मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देख लेते हैं सो यहाँ पे के सी एल ओ थ्राइस के साथ रिएक्शन हो रही है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास एम एन ओ टाइस पी टी एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है और आपको यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिलेगा वो ट्रिपलेट ऑक्सीजन मिलेगा ट्रिपलेट टू मिलेगा ठीक है और ये डाइनोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है डाइनोफाइल की तरह ट्रिपलेट ऑक्सीजन एक्ट नहीं करेगा ठीक है अब एक और मेथड ऑफ ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये वेरी एक्सप्लोजिव है रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव है अगर सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो आपके पास आएगा परऑक्साइड के साथ हो किया जा सकता है एम एन ओ टू कैटलिस्ट प्लेटिनम होगा एंड यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा प्लस वाटर और ये वाली रिएक्शन अब एक्सप्लोजिव नहीं होती है ठीक है सो so, ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ओज़ोन ओजोन ओ थ्री और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें सो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म करेगा ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म करेगा एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा ठीक है सो so, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी ठीक है स्टीरिक नंबर आ रहा है यहाँ पे स्टीरिक नंबर आ रहा है थ्री दो सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से एंड एक लोन पेयर की वजह से सो थ्री ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप आपके पास यहाँ पे बेंट शेप आ जाएगी बेंट शेप ठीक है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको मिल सकता है डिफरेंट यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर ओ एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया अब आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेट रेजोनेशन तो ये वन टू थ्री थ्री एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास टू है तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास वन पॉइंट फाइव ठीक है इसके बाद आपसे बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन पूछा जा सकता है ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ओ टू ओ थ्री ओ टू टू नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से या फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है जब हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे एम कर रहे थे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर टू आ जाएगा ओजोन का हमने फाइंड आउट किया है वन पॉइंट फाइव एंड ओ टू टू नेगेटिव के केस में बॉन्ड ऑर्डर वन आएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो रहा है आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें सो आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सो so, ये ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा ओ टू का देन ओ थ्री आ गया देन आपके पास ओ टू टू नेगेटिव आ गया ठीक है अब ओ थ्री एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ओ थ्री किसकी तरह एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे एडिशन इन एल्कीन जब ओजोन की एडिशन करी जाती है एल्कीन में तब आपको ओजोनॉइड मिलता है और उसके बाद कीटोन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको कीटोन के, के सो अगर ट्रिक देखा जाए तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो आप यहाँ पे उसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर्स में आप मेन जो है वो एस अल्फा एंड एस पीटा के बारे में पढ़ोगे जिसको एस रोम्बिक एस मोनोक्लिनिक भी बोला जाता है यहाँ पे लेटेस्ट रोम्बिक होती है एंड मोनोक्लिनिक होती है सो ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होता है एंड यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा आ, आ, एस बीटा के केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा विच इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होगा एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू बीटा और यहाँ पे भी आपको ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा के केस में भी सो so, ये मेन एलोट्रॉप्स हैं अब इसके बाद आपके पास एस कोलोइडल भी मिलता है एंड एस केटाइना भी मिलता है सो so, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है अगर हम कैटिनेशन पावर की बात करें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है और उसके बाद सल्फ़र की होती है इसीलिए आपको सल्फ़र के ज़्यादा एलोट्रॉप्स मिलते हैं अब मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेंसिटी के ऊपर पूछा जाता है ठीक है कि एस अल्फ़ा एस बीटा एस गामा इसकी डेंसिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए सो एस अल्फ़ा मतलब ऑर्थोरोम्बिक है ये औरबिक एस बीटा मोनोक्लिनिक होगा एंड एस गामा भी आपके पास मोनोक्लिनिक ही होगा अब यहां पे आपको डेंसिटी का ऑर्डर देखना है सो एस अल्फा के केस में डेंसिटी आपको मिलती है टू पॉइंट जीरो वन ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एस बीटा के केस में वन पॉइंट नाइन ज़ीरो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है और गामा के केस में टू पॉइंट वन फोर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है सो so, डेंसिटी का ऑर्डर आ गया आपके पास गामा की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है देन एस अल्फ़ा की है देन एस बीटा की है सो so, ये ऑर्डर आप याद रखना अब नेक्स्ट हम मैथड ऑफ प्रिप्रेशन देखेंगे एलोट्रॉप ऑफ सल्फर के सो फर्स्ट जनरल रिएक्शन दी हुई है आपके पास एस टू सी एल टू की रिएक्शन हो रही है एच टू एस एन के साथ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एच एन प्लस टू एलोट्रॉप ठीक है एन नंबर ऑफ सल्फर एटम है यहाँ पे एस एन प्लस टू एलोक्ट्रॉप मिलेगा प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच सी एल मिलेंगे सो so एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट एस टू सी एल टू की रिएक्शन हो रही है एच टू एस फोर के साथ एस फोर है तो फोर प्लस टू एस सिक्स एलोड्रॉप मिलेगा प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच सी एल नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे एच सिक्स है तो सिक्स प्लस टू एस एट मिल जाएगा आपके पास प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच सी एल अब यहाँ पे टेन है तो एस टेन प्लस टू ट्वेल्व मिल जाएगा प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच सी एल ठीक है अब नेक्स्ट हम एस एट के साथ शुरू करेंगे एक्चुअल में जो एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के उसमें एस एट एलोट्रॉप की स्टडी uh, हुई है आपकी रेफरेंस बुक में उसके बारे में बताया हुआ है सो so, एस के साथ शुरू करते हैं दिस इज ऑक्टाटोमिक पॉइंट ग्रुप देखें सो डी फोर डी पॉइंट ग्रुप होगा पक पकड क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है अब इसकी दो फॉर्म्स मिलती हैं आपको एस अल्फ़ा एंड एस बीटा एस अल्फ़ा आपके पास रोम्बिक uh, फॉर्म होगी रोम्बिक सल्फ़र होगा और एस बीटा मोनोक्लिनिक होगा सो एस अल्फा को एस बीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है हीटिंग कंडीशन दे के नाइन फोर्टी डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर दिया जाएगा तो एस मोनोक्लिनिक में ये कन्वर्ट होगा और एस मोनोक्लिनिक को एस रोम्बिक में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय कूलिंग ठीक है अब एस बीटा की स्ट्रक्चर की शेप की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू टाइप शेप मिलेगी एंड एस अल्फ़ा के केस में डब्ल्यू भी शेप मिल सकती है और एम भी शेप मिल, मिल सकती है ठीक है सो so स्ट्रक्चर देखते हैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है अब ये देख सकते हो आप डब्ल्यू टाइप शेप है इसको उल्टा कर दोगे तो एम टाइप शेप मिल जाएगी आपको इसका पॉइंट ग्रुप डी फोर डी पॉइंट ग्रुप है ठीक है अब यहाँ पे जितने भी एस एस बॉन्ड बॉन्ड लेंथ हैं वो सेम है ठीक है ऑल एस एस बॉन्ड लेंथ दे आर सेम और ये बॉन्ड लेंथ होती है टू पॉइंट जीरो एट एंड स्ट्रोंग और ये जो एस 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 बॉन्ड एंगल है ये होगा वन ज़ीरो टू से लेके वन जीरो एट डिग्री तक ठीक है इन इसके बीच में हो सकता है अब स्टेबिलिटी देखेंगे हम सो डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र की स्टेबिलिटी की बात करी जाए सो so, जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज़ होगा जैसे नंबर ऑफ़ सल्फर्स इंक्रीज़ होंगे वैसे ही यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और हमें पता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा एस सिक्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी देन एस एट की देन आपके पास एस टेन की रिएक्टिविटी आ जाएगी उसके बाद अब हम रिएक्शंस देखेंगे एसेड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है आपको एस टू सी एल टू मॉलिक्यूल मिलेगा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो एस टू बी आर टू मॉलिक्यूल मिलेगा आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होती है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो आपके पास एस टू एफ़ टू आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो एस एट ओ मॉलिक्यूल आ जाएगा एंड एच एन ओ थ्री एसिड के साथ रिएक्शन हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा एच टू एस ओ फोर ठीक है अब इसके बाद हम हीटिंग uh, कंडीशंस देंगे डिफरेंट डिफरेंट हीटिंग करेंगे एस एट मॉलिक्यूल की और इस उसकी विस्कोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है ये देखेंगे ठीक है तो विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस एट मोलिक्यूल लिया हुआ है हमने और यहाँ पे हीटिंग दे रहे हैं 160 डिग्री सेल्सियस ठीक है सो so, यहाँ पे एक बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी ये एस एस बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा और आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा सो so, आपको यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा ये वाला और यहाँ पे रेडिकल रेडिकल मिल जाएंगे ठीक है बॉन्ड की क्लीवेज हुई है दैट मीन्स यहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज़ हुई है ठीक है सो so, 160 डिग्री पे विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी अब हमने 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है तो 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अब पॉलीमराइजेशन हो जाएगी यहाँ पे क्या हो रही है अब ये पॉलीमराइजेशन हो रही है और अगर पॉलीमराइजेशन हो रही है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है बट यहाँ पे जब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं हम हीटिंग कंडीशन दे रहे हैं तो यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज हुई है क्यों इंक्रीज हुई है क्योंकि पॉलीमराइजेशन हुई है नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है अब इसके बाद अगर हम इसको फर्दर और हीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तब क्लीवेज हो जाएगी और यहाँ पे आपको अगेन एस एट मॉलिक्यूल मिल जाएगा ठीक है और अगर एस एट मॉलिक्यूल मिल रहा है दैट मीन्स यहाँ पे विस्कोसिटी फिर से डिक्रीज हो रही है ठीक है सो so, अब आपको ये टेम्परेचर की कंडीशंस याद रखनी होगी और विस्कोसिटी कब इंक्रीज़ हो रही है कौन से टेम्परेचर पे जर्नली क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी बट यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे विस्कोसिटी अब नॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है क्यों अब नॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पे पोलमराइजेशन हो रही है ठीक है देन फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विस्कासिटी फिर से डिक्रीज़ होगी एक्स्ट हमारे पास आते हैं सल्फाजी जैसे हमने फोसफाजिन कंपाउंड्स देखे थे वैसे ही सल्फाजी देखेंगे नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स को सल्फाजिन बोला जाता है नाइट्रोजन सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होगा सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए तो so, आपके पास टू के आसपास होती है सिक्स होगी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री होती है ठीक है सो थ्री पॉइंट हम लिख लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम आ रहा है दैट मीन्स ये बॉन्ड आपके पास कॉन्वेंट बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है ठीक है अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे सल्फाजिन की सो मेनली यहाँ पे हम डायासल्फजन टेट्रा एंड पोली में क्लासिफाई करेंगे इनको डायासल्फजिन आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एस टू एन टू टेट्राफोसफिन एस फोर एन फोर और पोलीसल्फजिन आपके पास एस एन एक्स फॉर्मूला होगा ठीक है अब टेट्राफोसफिन इसमें इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देख लेते हैं टेट्राफोसफिन का सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहा है एस टू सी एल टू की रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ सी सी एल फोर सोलवेंट है थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर कंडीशन है यहाँ पर आपको मिलेगा टेट्रा सल्फजिन साथ में सल्फर का एलोक्ट्रॉप एंड अमोनियम क्लोराइड नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास आ गए एस टू सी एल फोर की रिएक्शन हो रही है एस SO, ओ टू सी एल टू के साथ एंड एम ई थ्राइस एस आई का होल ट्वाइस एंड होल ट्वाइस एस के साथ एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एस फोर एंड फोर साथ में एम ई थ्री एस आई सी एल और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा थर्ड मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन है एस टू सी एल टू की रिएक्शन होगी एन एच फोर सी एल के साथ सो so आपको यहाँ पे मिलेगा एस फोर एंड फोर प्लस एच सी एल सो ये आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में होनी चाहिए रिएक्शंस ठीक है नेक्स्ट एस फोर एंड फोर के बारे में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं सो so, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलता है इसका ये स्ट्रक्चर आपको क्रेडल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा ठीक है ये आपके पास आ गया क्रेडल लाइक स्ट्रक्चर अब सल्फर सल्फर के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सो so, मेनली आपको ये बॉन्ड एंगल के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसके कंपेरिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बॉन्ड लेंथ का पता होना चाहिए सो सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड लेंथ होती है टू नॉट थ्री पिकोमीटर ये बॉन्ड एंगल आएगा आपके पास वन वन सेवन डिग्री एंड ये वाला बॉन्ड एंगल आएगा वन जीरो फोर डिग्री ठीक है सो कंपैरिजन पूछा जाता है सो so, ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद एस फोर एन फोर डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है सो so, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्रोटोनेशन रिएक्शन होगी सो क्रेडल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बार बार डिफिकल्ट है इसीलिए हमने एक जर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे जर्नल फॉर्म में ठीक है ये स्ट्रक्चर है आपके पास अब सल्फर थ्री बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है दैट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है अब ये पॉजिटिव नेगेटिव देखो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले इसलिए एस फोर एंड फोर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सल्फर के ऊपर तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ठीक है प्रोटोनेशन रिएक्शन हो रही है रिएक्शन एसेंशियल टू के साथ हो रही है ये अब आपके पास प्रोटोन का सोर्स है ई टी ओ एच इथेनॉल प्रोटोन का सोर्स है सो so अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा ठीक है और आपको मिल गया यहाँ पे एस एन ये रिएक्शन लिख लेते हैं हम पूरी एस फोर एन फोर की रिएक्शन हो रही है एस एन सी एल टू ई टी ओ एच के साथ सो so आपको यहाँ पे मिल जाएगा एस फोर एन फोर साथ में एच फोर ठीक है सो so, ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या फिर रिएक्शन टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सो दिस इज अब ये नॉन प्लेनर है ठीक है ये क्या है अब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है और नॉन एरोमेटिक होगा दिस इज नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक और इसका स्ट्रक्चर क्राउन इथर जैसा होगा अब नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन एस फोर एन फोर की रिएक्शन हो रही है एच बी एफ फोर के साथ सो so आपको यहाँ पे अब मिलेगा मॉलिक्यूल एस फोर एन फोर एच पॉजिटिव एंड बी ए फोर नेगेटिव सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही ही है ठीक है अब ये कैसे होगी रिएक्शन ये देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर एस फोर एन फोर का अब यहाँ पे एच बी एफ फोर के साथ जब रिएक्शन होगी तब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज़ हो रहे हैं ये दोनों न्यूट्रलाइज़ हो रहे हैं ये दोनों न्यूट्रलाइज़ हो रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास रह रहा है इसीलिए होल कंपाउंड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरिनेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है ये भी सो एस फोर एन फोर की रिएक्शन हो रही है ए जी एफ टू के साथ सी 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 एल फोर की प्रेजेंस में यहाँ पे भी आपको मिलेगा एस फोर एन फोर एस फोर एन फोर एंड एफ फोर ठीक है सो so, अब ये मॉलिक्यूल है आपके पास अगेन नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी यहाँ पे सल्फर के साथ तीन बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो फ्लोरीन सल्फर के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो so, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ यहाँ पे भी एफ आ गया और यहाँ पे भी एफ आ गया और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ठीक है ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड्स मिल जाएंगे जब ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है ए जी एफ टू के साथ हो रही है तब आपको एस फोर एन फोर एंड एफ फोर मिल रहा है आजकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंड पकड़ स्ट्रक्चर है अब नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे हम एस फोर एंड फोर की रिएक्शन अगेन एजी एफ टू के साथ हो रही है बट अब आपके पास हीटिंग कंडीशंस दी हुई हैं पहले कूलिंग थी अब हीटिंग कंडीशन दी हुई है यहाँ पे आपको मिलेगा एन एस एफ थ्री मॉलिक्यूल सो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है टेम्परेचर की कंडीशंस दी हुई हैं और कूलिंग दी हुई है तो so, यहाँ पे एस फोर एन फोर एफ फोर मिल रहा है बट यहाँ पे एन एस एफ थ्री मॉलिक्यूल मिल रहा है और इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो so इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा सल्फर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा फ्लोरीन सेंट्रल आइटम आपके पास सल्फर आ गया अब नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज होगा बॉन्ड एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा और ये वाला बॉन्ड एंगल 94 डिग्री होगा ठीक है सो so, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एस फोर एन फोर की रिएक्शन एच डी एफ़ टू के साथ हो रही है देखो ये क्रैमिंग वाला पार्ट है और आपको क्रैम करना पड़ेगा गेट में या नेट में ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं अगर आपके पास एच डी एफ टू के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपको मिलेगा एन एस एफ मोलिक्यूल ठीक है आपको क्या मिलेगा एन एस एफ मोलिक्यूल और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा यहाँ पे आ जाएगा सल्फ़र एंड फ्लोरीन और साथ में वन टू थ्री फोर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है एक लोन पेयर आ गया हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगी और स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेंड स्ट्रक्चर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एस फोर एंड फोर की रिएक्शन ए जी वुल्स के साथ हो रही है एस फोर एंड फोर की रिएक्शन ए जी क्वाड्स के साथ हो रही है टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशन दी हुई हैं यहाँ पे थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर है फाइव थर्टी कैलविन टेम्परेचर है सो so यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे ठीक है ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कंफ्यूज नहीं होना है एस टू एन टू मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको एस एन एक्स मिलेगा ठीक है सो इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा और सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर एंड नाइट्रोजन के उप, साथ डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ठीक है सो अगर यहाँ पे देखें तो अब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेनर स्ट्रक्चर है दिस इज प्लेनर इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हो ही रही है दैट मीन्स दिस इज एरोमेटिक इन नेचर ठीक है सो डाय आपके पास एरोमेटिक होता है इन नेचर ये बात आपको याद रखनी है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एस फोर एन फोर की रिएक्शन अगर हम ए जी के साथ करा रहे हैं एस एन एक्स मिल रहा है पोलिसिन आपको मिल रहा है वन डायमेंशन पॉलीमर भी इसको बोलते हैं जिसकी तरह ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है ठीक है नेक्स्ट एस एन एक्स की रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ भी कराई जा सकती है वेपर्स फॉर्म में तब यहाँ पे आपको मिलेगा एस एन बी आर एक्स मॉलिक्यूल ठीक है और इन दोनों की कंडक्टिविटी uh, का कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा कंडक्टर होगा दिस इज मोर कंडक्टर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एस फोर एन फोर की रिएक्शन हो रही है एन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ए एस एफ फाइव के अब यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा एस फोर एन फोर टू पॉजिटिव और एस एफ सिक्स नेगेटिव मिलेगा आपको अब इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ठीक है अब यहाँ पे भी टेन पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये प्लेनर है और पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है फोर एन प्लस टू पाए हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर सो एस फोर एंड फोर टू पॉजिटिव भी आपके पास एरोमेटिक होगा एस टू एन टू भी एरोमेटिक होगा ये बातें आपको याद रखनी है नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एस फोर एंड फोर की रिएक्शन एस ओ टू सी एल टू के साथ हो रही है यहाँ पे आपको मिल जाएगा एस थ्री एन थ्री सी एल थ्री मॉलिक्यूल ठीक है अब क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सल्फर के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा? तो करेगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप मिल को मिल जाएगा सो दिस इज ऑल्सो प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हो रही है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सो so, ये भी एरोमेटिक होगा ठीक है अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर्स जिसमें सल्फ्रस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड थायो सल्फ्यूरिक एसिड था सल्फ्रस एसड एंड पायरोक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे शुरू करते हैं सल्फ्रस एसिड के साथ सबसे पहले फॉर्मूला होगा इसका एच टू एस ओ थ्री एच टू एस ओ थ्री स्ट्रक्चर की बात करें तो so स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच एंड ओ एच आ जाएगा एंड एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा ठीक है अब दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है इसकी स्टेबल फॉर्म होती है आपके पास एन ए टू एस ओ थ्री ठीक है हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए तो आपको मिलेगी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी शेप एन एच थ्री मॉलिक्यूल की तरह पिरामिडल आपको शेप मिलेगी ठीक है और मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देखा जाए तो एस ओ टू की रिएक्शन होगी वाटर के साथ आपको एच टू एस ओ थ्री मॉलिक्यूल मिल जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है आपको सो बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले ड्रॉ करके देखेंगे उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो ये दोनों आयनाइजेबल हाइड्रोजन हैं तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो, हो सकते हैं सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सो टोटल आपके पास थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन टू थ्री फोर सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस फोर हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री है तो so आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया वन पॉइंट थ्री थ्री ठीक है नेक्स्ट एन ए टू एस ओ थ्री की रिएक्शन जब एस ओ टू के साथ होगी तब आपको यहाँ पे मिलेगा थायो एसिड ठीक है जिसका फॉर्मूला होगा एन ए टू एस टू ओ फाइव इसको और कैसे लिख सकते हैं हम एस टू ओ फाइव टू नेगेटिव ये थायो एसिड का फॉर्मूला है अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड प्रेजेंट होता है फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा टू नेगेटिव प्रेजेंट है ठीक है सो so, एक ओ नेगेटिव होगा एक ओ नेगेटिव होगा एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है सो so यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया ठीक है अब जहाँ पे भी आपको जिस भी ऑक्जो एसिड में सल्फर सल्फर बॉन्ड मिलेगा दैट मीन्स वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ठीक है किसकी तरह बिहेव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नेक्स्ट ऑक्सो एसिड आता है सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस फोर इसका फॉर्मूला होता है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है स्ट्रक्चर uh, देखा जाए तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा अगेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे ऑक्सीजेशन uh, स्टेट की बात करते हैं सो so, आपके पास आएगी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रही है माइनस टू इसकी है माइनस टू इसकी है माइनस वन इसकी है माइनस वन इसकी है सो so, इसकी वजह से प्लस टू इसकी वजह से प्लस टू प्लस वन प्लस वन टोटल प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहें सो माइनस टू इसकी है जिसकी वजह से सल्फर पर प्लस टू आ जाएगा माइनस वन ओ की वजह से प्लस वन आ जाएगा इस ओ OH की वजह से प्लस वन आ जाएगा सो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ठीक है एंड यहाँ पे आपके पास प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है नेक्स्ट हम पी के ए वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक uh, एसिड की पी के ए वैल्यू के लिए फॉर्मूला एट माइनस फाइव पी होता है फाइव मतलब सॉरी uh, पी मतलब नंबर ऑफ एग्जो बॉन्ड्स मतलब यहाँ पे एस डबल ओ बॉन्ड्स कितने हैं सो so, यहाँ पे एस डबल ओ बॉन्ड्स आपको टू मिल रहे हैं तो एट माइनस फाइव इंटू टू आ जाएगा माइनस टू के आसपास आपको पी के ए वैल्यू मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड की ठीक है अब सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पे मिल सकता है एस ओ थ्री ठीक है या फिर एस टू ओ फोर ओ सिक्स एन ऑफ एच टू एस ओ फोर मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देखते हैं मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी ओ एच की सब्सिट्यूशन होगी क्लोरीन बाहर निकल जाएगा एन ई सी एल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ओ OH एच आ गया एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा ठीक है ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं डबल बॉन्ड ओ आ गया एंड ओ एच आ गया अब नेक्स्ट हमारे पास आता है परोक्सो एसिड परोक्सो एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ठीक है मतलब तो यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा और बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसके एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो एच टू एस ओ फाइव एच टू एस टू ओ एट के एग्जाम्पल्स आएंगे आपके पास ठीक है अब नंबर ऑफ परोक्सो बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं ये कैसे पता चलेगा ये एक फॉर्मूले से पता चल जाएगा नंबर ऑफ पर ऑक्सो बॉन्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हो अपेयर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट अपेयर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय टू ठीक है सो so, सल्फर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस सिक्स होती है नाइट्रोजन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस फाइव होती है तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पे आप ये लिखोगे और अपेयर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले लगा के आप पुट करोगे सो एच टू एस ओ फाइव आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं टू आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा माइनस टू इन टू फाइव टेन आ जाएगा सो so एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है प्लस एट मतलब अपेयर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है एट है एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी सिक्स होगी डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा तब तो आपके पास यहाँ पे वन आ गया मतलब नंबर ऑफ परोक्सो बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं वन है सो तो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो सल्फ़र आ गया उसके बाद परोक्सो बॉन्ड कितने आ गए वन आ गए ठीक है सो so यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा आपके पास वन टू थ्री थ्री ऑक्सीजन यूज हो गया है एक हाइड्रोजन यूज so हो गया है सो यहाँ पे एक ओ OH एच आ जाएगा एंड एक डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा ये फार्मूला आ गया आपके पास अब आप एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ यहाँ से निकाल सकते हो फॉर्मूले से यहाँ पे माइनस टू है जिसकी वजह से सल्फर पर प्लस टू आएगा यहाँ पे माइनस टू है जिसकी वजह से सल्फर पर प्लस टू आएगा यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस वन आएगा यहाँ पे भी माइनस वन है तो प्लस वन आएगा मतलब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ पे प्लस सिक्स आ गई नेक्स्ट एच टू टू ओ एट के बारे में आप देखते हैं हम यहाँ पे ठीक है सो so, यहाँ पे भी अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए so, uh, पर सो परोक्सो बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे वो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्सटीन आ जाएगा सो so, एक्स की वैल्यू अब आपके पास आ रही है टू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है फोर्टीन आ रही है ठीक है टू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है फोर्टीन आ रही है और एक्चुअल में टू सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए ट्वेल्व होनी चाहिए ठीक है सो फोर्टीन परोक्सो बॉन्ड्स कितने आ गए फोर्टीन माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू विच इज़ इक्वल टू वन सो यहाँ पे भी परोक्सो बॉन्ड कितना मिलेगा आपको वन मिलेगा सो so सल्फर है यहाँ पे सल्फर आ गया इनके बीच में आपको परोक्सो बॉन्ड मिलेगा ठीक है बाकी देखो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा कितने ऑक्सीजन है एट है सो वन टू थ्री मतलब टू यहाँ पे यूज़ हुए हैं मतलब थ्री थ्री दोनों साइड यूज होंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ दो ही है यहाँ पे ओ OH एच आएगा यहाँ पे ओ आ जाएगा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ पे एक ओ एच OH आ जाएगा एंड डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा सो so, ये आ गया आपके पास बॉन्ड और ये फॉर्मूला आ गया एच टू टू ओ एट का ठीक है अगर हम नाइट्रिक एसिड के केस में भी बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं तो so, यहाँ पे देखो वन प्लस x माइनस सिक्स तो x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस फाइव आ रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है फाइव भी होती है तो फाइव माइनस फाइव यहाँ पे अगर परोक्सो बॉन्ड फाइंड आउट करना चाहें तो फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू जीरो आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे एक भी परोक्सो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है सो so फॉर्मूला कैसे होगा एन डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा एक ओ OH एच आ जाएगा थ्री ओ है तो so, यहाँ पे ओ नेगेटिव आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए एच एन ओ थ्री आपके पास फॉर्मूला आ गया वैसे ही आप सी आर ओ थ्री में भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो सो so, यहाँ पे एक्स आ गया माइनस टेन सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास टेन आ गई अब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होती है सो टेन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू मतलब यहाँ पे टोटल टू पर ऑक्सो बॉन्ड्स प्रेजेंट है टू पर ऑक्सो बॉन्ड्स प्रेजेंट है ठीक है सो so स्ट्रक्चर कैसे होगा अब इसका स्ट्रक्चर याद रखना इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ये आपके पास आगे टू पर ओक्सो बॉन्ड अब नेक्स्ट हम परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे एच टू एस ओ फाइव फॉर्मूला है स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं वन परोक्सो बॉन्ड प्रेजेंट होगा एक्ट करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं सो एच एस ओ थ्री सी एल की रिएक्शन हो रही है एच टू ओ टू के साथ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एच टू एस ओ फाइव अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है एच एस ओ थ्री सी एल का अब यहाँ पे यहाँ से ये यह यहाँ पे चला जाएगा और एक एच मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ठीक है एच मॉलिक्यूल बाहर आ गया ओ ओ एच यहाँ पर लग गया और एच टू एस ओ फाइव मोलिक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है रिएक्शन की बात करें जाए सो so, इसकी वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं सो ये वाले बॉन्ड जो होते हैं ये ईजिली क्लीव हो जाते हैं ऑक्सीजन जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये ईजिली क्लीव हो जाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन होगी यहाँ पे एच आ जाएगा एंड ओ एच आ जाएगा ठीक है सो so, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल मिलेगा ओ एच एस डबल वन ओ डबल वन ओ ओ एच मिल जाएगा प्लस एच टू ओ टू ठीक है नेक्स्ट अब हम पर ऑक्जो डाया सल्फ्योरिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं एच टू एस टू ओ एट इसका फॉर्मूला होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा परोक्सो बॉन्ड ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम एक परोक्सो बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ये हमने देखा हुआ है पहले ही सो so, यहाँ पे मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देखें तो सबसे पहले आपको एच टू एस ओ फाइव प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद सेम रिएक्शन होगी एच ओ एस ओ टू सी एल के साथ सो so, यहाँ पे क्या होगा कि एच सी एल बाहर निकल जाएगा और एस ओ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड यहाँ पे ओ एच की फॉर्मेशन हो जाएगी नेक्स्ट अब रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे सो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये इजीली क्लीव हो जाएगा यहाँ पे एक ओ एच आ जाएगा एंड यहाँ पे एच आ जाएगा सो so यहाँ पे भी रिएक्शन जब करेंगे तब आपके पास एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच मिल जाएगा एक प्लस एस डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ओ एच डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड एच मिल जाएगा ठीक है सो so ये हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा ली नेक्स्ट अब थायो ऑक्जो एसिड की तरफ चलते हैं सो so, इसका ट्वेंटी uh, नाइनटीन जून में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था थायो ऑक्जो एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फ़र की वो प्लस थ्री होगी प्लस फाइव होगी या फिर ज़ीरो हो सकती है ठीक है सल्फर सल्फ़र बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थाइनस एसिड एंड थायनिक एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ठीक है इसको डायोथाइनिक थायनस एसिड भी बोल सकते हैं एंड डायाथाइनिक एसिड भी बोल सकते हैं फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होगा एस टू ओ फोर टू नेगेटिव एंड यहाँ पे फॉमूला होगा एस टू ओ सिक्स टू नेगेटिव ठीक है सो so, फॉर्मूले से हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, है ये हमने लगा दिया टू नेगेटिव है दैट मीन्स दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया थाइनिक एसिड का फॉर्मूला सल्फर सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया डबल बॉन्ड ओ आ गया एक ओ नेगेटिव आएगा क्योंकि दो ओ ने यहाँ पे टू नेगेटिव प्रेजेंट है अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस टू एंड माइनस वन की वजह से यहाँ पे प्लस थ्री आ जाएगी लाइक वाइज यहाँ पे भी प्लस थ्री ऑक्सीजेशन स्टेट होगी माइनस टू माइनस टू माइनस वन की वजह से यहाँ पे प्लस फाइव आ जाएगी और यहाँ पे भी प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट हुई सो so यही क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ट्वेंटी नाइनटीन जून में कि थाइनिक एसिड या डायथाइनिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सल्फर की एंड डायथाइनस एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी अब एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बना था किसी एग्जाम में ये जो थाइनिस से एसिड है ये स्टेबल होता है ये स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म में ठीक है, है? एक्लिप्स् फॉर्म में बट थायनिक एसिड स्टेबल होता है ये भी एकप्स्ड फॉर्म में ही एक्लिप्स्ड फॉर्म में ही बट आपको ये बात याद रखनी है कि जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है ठीक है ये सॉल्यूशन स्टेट में होता है ये बोल सकते हो आप और ये स्टेबल होता है स्टैगर्ड फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म में इन सॉलिड स्टेट ठीक है सो so ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट में सो so, ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे अब ऑक्जो एसिड ऑफ सल्फर हमने कर लिए आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू गाइज